गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे है 3:30 और अभी उठ के तैयारी कर रहे हैं। आज है 25 जुलाई, आज लास्ट डेट है श्रीखंड महादेव यात्रा का। तो चलिए अभी तैयारी करते हैं जाने की। ऊपर हाय फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई आखिरी दिन यात्रा का और हम शुरुआत कर रहे हैं पार्वती बाग से। 4 बजे उठ के सब फ्रेश होके 4:20 हो गए अभी और शुरुआत कर रहे हैं श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, बम बम बोले। हाय फ्रेंड्स, अभी बजे 6:15 और आप देखिए पार्वती माता के मंदिर का दर्शन करके इस पत्थरों को काट के अभी ये नीचे पीछे जो है ग्लेशियर, वो रास्ते से हम जाएंगे नैन सरोवर का जो चक्कर मार के ऊपर को जो रास्ता मिलता है उस तरफ। ओके, अभी बजे 6:15 और हम अभी नैन सरोवर से ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा क्रीम बिस्किट, और उसके साथ ग्लूकोन डी का पानी। दोस्तों बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए श्रीखंड ट्रैक के लिए। तेईस तारीख को तो नहीं कर पाए, मैं कल रेस्ट किया और आज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है। अभी डेफिनेटली आज दर्शन करने की ही। हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव की जय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे होते हुए और ये सामने है नैन सरोवर। ये लोग देखते होंगे आपको, एकदम बारीक बारीक नैन सरोवर जो पूरा जम चुका है इस वक्त। और नैन सरोवर के बाद लगती है ये एकदम खड़ी चढ़ाई। वो झंडा दिख रहा है आपको ऊपर वहाँ तक की। तो दोस्तों अभी बजे है 6:40 और नैन सरोवर से आप देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी खड़ी चढ़ाई। और इस खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है ये बाद में ग्लेशियर, जो मेरे पीछे आप झंडा दिख रहे वो ग्लेशियर। फिर अब उस ग्लेशियर से जाके फिर पत्थरों के रास्तों से अभी हमको जाना पड़ेगा। तो चलते हैं श्रीखंड महादेव की ओर। बोलो हर हर महादेव। ट्रिक में तो मेरे साथ अभी पीछे रह गए देखो, लेकिन डॉगी अभी मेरे साथ आएगा। आएगा ना, तू आएगा ना मेरे साथ? क्या दूँ तुझे, हाँ बिस्कुट खाने का, बिस्कुट खाने का, बिस्कुट क्या खाने का, बिस्कुट। खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है पीछे ही अपने ग्लेशियर का रास्ता। दोस्तों श्रीखंड महादेव ट्रेक बहुत ही एडवेंचर भरा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते वैसे वैसे ये टफ होते जाते हैं। ये देखिए अभी इस पत्थरों से अभी हमको आगे गुजरने का है। ये देखिए अभी ग्लेशियर से चढ़ के आने के बाद फिर से लगती है ये सीधी खड़ी चढ़ाई पत्थरों में से। और अभी हमें दर्शन हुए है सूर्यदेव के। ये देखिए, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्धमम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते, आदित्यस्य नमस्कारम मे कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु
दरिंद्रम नोपज आए थे, दरिंद्रम नोपज आए थे। ओहो, क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। और आप देखिए मेरे पीछे ये हिमालय की रेंज, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, ये देखिए अभी ये ऊपर चढ़ते लोग उस रास्ते से जाने का हमको ऊपर। ये देखिए दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं जहाँ पत्थरों का ये, और आप देखिए ये पहाड़ यहाँ पे जैसे पत्थर एक के ऊपर एक रख के ये पहाड़ बनाया है। और ये रास्ता देखिए आप, भले पहाड़ों से ग्लेशियर से फिर पत्थर, पत्थर से जाने के बाद फिर से ग्लेशियर। और दोस्तों यहाँ कोहरा इतना छाया हुआ है कि ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे पा रहा है। और इतने एरोज यहाँ लगे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनल रास्ता कहाँ से। अभी ये देखिए अब यहाँ एरोज लगे, लेकिन जाएंगे कैसे ऊपर, बहुत टफ है दोस्तों, बहुत टफ। तो उस दिन आया तो महादेव जी के दर्शन हो रहे थे, रास्ता क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन आज राह देखते किसी की यहाँ। तो दोस्तों अभी बजे है 7:10 और हम पहुंचे हैं यहाँ दूसरे पहाड़ के टॉप के पीक पर। ग्लेशियर से ट्रैक जब ऊपर आता है तो देखिए ये सब पहाड़ मेरे पीछे आप देख सकते हो। और यहाँ से अभी हमको जाने का ही ऊपर की तरफ। देखिए अभी थोड़ा ही बचा है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। और देखिए ये हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट से पीआई और हम सब साथ में आने वाले थे, लेकिन वो इतने तेज निकले कि हमसे भी आगे दर्शन करके अभी आराम कर फरमा रहे यहाँ। और हम धीरे धीरे चल ही रहे सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट किया। आप कोई बात नहीं ठीक है सर जी, ओके चलो, ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और ट्रेक हमारा स्टार्ट है दोस्तों। ये देखिए अभी जो ऊपर का ग्लेशियर लगता है, ये ग्लेशियर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ओके दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं भीमबही। ये देखिए भीमबही इसलिए क्योंकि इन पत्थरों पे ये सब बारीक बारीक कुछ लिखा हुआ नजर आता है। और ये पूरे पत्थर आप देख लीजिए कैसे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ये है भीमबही। महादेव की जय। ये देखिए ये हम पहुंचे अभी भीमबही। और यहाँ से खड़ी चढ़ाई एकदम पत्थरों की, कहते हैं आखिरी चढ़ाई। और देखिए यहाँ से आते हुए और बहुत टफ है और ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही है, इट्स रियली टफ ट्रिक। तो दोस्तों श्रीखंड ट्रिक पड़ाव का आखिरी सफर अभी शुरू है हमारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट्स सो ब्यूटीफुल। श्रीखंड महादेव ट्रेक की आखिरी पड़ाव में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी हिमालयन वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा। और प्रॉब्लम यह हुआ है दोस्तों कि मेरा गोप्रो काम नहीं कर रहा है, मौसम खराब हो रहा है, शायद बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। और आप देख सकते हैं इट्स अमेजिंग, ट्रिक की थकान दूर हो जाती है ऐसे नज़ारे देख के। इट्स हेवन, पृथ्वीवर स्वर्ग स्वर्ग जर कुठे तर तो इथच आहे। श्रीखंड महादेव ट्रेकला या आणि बघा हे नजारे, पूर्ण ढगात आम्ही जातो।
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। अभी पहुंचे हैं पुर की तरफ और भीम बही जहां बोलते हैं थोड़ा बैलेंस ना बैलेंस इधर को रखना बिल्कुल आराम से रखना। देखिए ये पीछे का जो ग्लेशियर है ज्यादा नहीं है वो पार करते आएंगे महादेव का 10-15 मिनट का आराम से। चलो कोई रेस्ट कर लो कोई बात नहीं आराम आराम से जाएंगे कोई बात नहीं। जय बोले ओके 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 यहाँ से नीचे कैसा है ये चढ़ाई कितनी यहाँ तक ही है क्या ऊपर और देखिए दोस्तों ये आखिर के 200 मीटर का जो ग्लेशियर है वो इट्स रियली टू हार्ड। और मेरे पीछे देखिए आप हम पहुंच गए हैं थोड़ा आगे ही मेरे पीछे जो ग्लेशियर देख रहे हैं उतना बाकी है। तो हर हर महादेव का नाम बोलते हैं और चढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों अभी ऊपर बारिश चल रही है और अभी कितने साफ दर्शन हो रहे हैं श्रीखंड महादेव जी के। ये देखिए दोस्तों ये आखिर की चढ़ाई है और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस। बस पहुंचने वाले दोस्तों मौसम थोड़ा खराब होता जा रहा है। आणि हा शेवटचा टप्पा आहे मित्रांनो श्रीखंड महादेव ट्रेकचा। ओम नमः शिवाय। 18,570 फूट ऊंचाई पे अभी हम खड़े और ऑक्सीजन लेवल यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। सांस फूलती जा रही है। जय श्री राम। कितना है भाई और अच्छा बम बम बोले बोलो श्रीखंड महादेव की जय। दोस्तों घर से निकला हुआ नासिक से 19 जुलाई को मैं निकला था और घर से निकला हुआ मेरा एक एक कदम बढ़ रहा था भारत का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान श्रीखंड महादेव जी की तरफ। और आज मैं कुछ ही दूरी पे हूँ महादेव जी की दूरी पे और आप देख सकते हैं ये है महादेव जी के पहले दर्शन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत खुशी हो रही दोस्तों। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाय
गौरी शंकर जय गौरी शंकर हर 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 बोलो श्रीखंड महादेव की जय। दोस्तों ये हुई माता पार्वती की पूजा। अभी जो सामने है महादेव जी, अभी हम उनकी पूजा करेंगे, बाद में मैं आपका महत्व समझाऊंगा। हर हर महादेव। जय शंकर। दोस्तों माता पार्वती के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव जी के दर्शन की तरफ। मौसम बहुत धुंधला है इसलिए पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। अगर धूप रहती तो एकदम अच्छे से दर्शन हो पाते हमारे। तो चलो अभी भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। हर हर महादेव हर हर महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल मल्लिकार्जुनम पूजयन महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम सुरज्या वज्रनाथम च डाकिनाम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावन वाराणसम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतं प्राप्य स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव की जय। बम बम भोले। आप देख रहे हैं श्रीखंड महादेव की 72 फीट 75 फीट ऊंची और 40 फीट घेरे में विराजमान महादेव की ये बड़ी सी शिवलिंग। इस लिंग में एक दरार है जो लिंग के मध्य भाग में तिरछी दिशा के संकेत में विराजमान में है। ये देखिए ये जो दरार है बीच में ये तिरछी दिशा के संकेत में विराजमान है और लिंग के मध्य में इस खंड रूपी दरार में श्रद्धालु गुप्त भेटे अर्पण की जाती है या चमत्कार आदि शक्ति माना गया है। इस दरार में न जाने कितनी भेटे समा गई है। ये देखिए ये जो दरारे है इसमें जनश्रुति है कि लंकापति रावण प्रतिदिन शिव पूजा के लिए श्रीखंड कैलाश आता था और भक्ति भाव में आना महादेव को भेंट में अर्पण करता था। परिणाम स्वरूप इस स्थल का नाम श्रीखंड अर्थित में जाना जाता था जो वर्तमान में श्रीखंड नाम अस्तित्व में आया है। श्रीखंड के बारे में सबसे ज्यादा किंवदंती यह है कि भगवान शिव भस्मासुर को भस्म करने का वरदान देकर खुद ही विपत्ति में आ गए थे क्योंकि भस्मासुर अहंकार में चूर होकर माँ पार्वती को भस्म पार्वती को पाने के लिए भोलेनाथ के पीछे पड़ गया और शिव देवढाक में एक छोटी सी गुफा में प्रवेश कर हिमालय के शिखर पर 50 फुट ऊंची शिवलिंग में समाधिस्थ हो गए। भगवान गणेश कार्तिकेय और माँ पार्वती इसी शिखर पर घोर तपस्या की तब भगवान शंकर ने शिवलिंग को खंडित समर्पित कर दिया। ऐसी है श्रीखंड महादेव की कहानी दोस्तों। तो हर हर महादेव। दोस्तों 19 जुलाई 2019 को शुरू हुआ मेरा सफर नासिक से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से शिमला और शिमला से रामपुर और रामपुर से जाओ और जाओ से हम आ गए अभी श्रीखंड महादेव। दोस्तों 23 तारीख को मैंने कोशिश की थी, मैं भीम वहीं तक आया था लेकिन नहीं कर पाया। 24 तारीख को मैं फिर पार्वती बाग में रुका और मेरे मन में क्या एक अजीब सी संचारना हुई कि यार तुम इतनी दूर आए और तुम दर्शन नहीं कर रहे हो, फिर क्या तुम्हारे अंदर की शक्ति का क्या उपयोग। फिर यह सोचकर मैंने आज सुबह फिर से कोशिश की और आज हम खड़े हैं 18,570 फुट भारत की सबसे ऊंची
75 फीट ऊंची श्रीखंड महादेव जी की जो सबसे बड़ी शिवलिंग है वहां पे। दोस्तों यह सफर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन महादेव की प्रेरणा अगर आपके साथ हो तो कोई सफर मुश्किल नहीं, कोई ट्रेक मुश्किल नहीं। और श्रीखंड महादेव की कथा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि प्रथम पूजनीय किस देवता को किया जाए, इससे देवता में विवाद छिड़ गया। तो गणेश जी ने माता पार्वती से पूछा कि क्या किया जाए, तो माता पार्वती ने कहा कि बेटा इसको ही चक्कर लगा कि तुम पूरी प्रदक्षिणा पूरी हो गई ऐसा समझो। तब से गणेश जी को पहला पूजनीय माना जाता है। और सामने है वो पार्वती माता, अपने पीछे है ये महादेव जी, और अभी आगे धुंध है वहाँ विराजमान है कार्तिकेय जी। तो ऐसा है पूरा श्रीखंड महादेव। और दोस्तों श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है वो कठिन तो ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल ही मुमकिन नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जिस भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी उसके लिए ये सफ़र तय करना अपने बस में है। तो अपन श्रीखंड महादेव ट्रेक कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, श्रीखंड महादेव ट्रेक के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यहाँ नज़दीक है किन्नौर कैलाश ट्रेक, वो बहुत ऊँचा है, लेकिन मैं पहले श्रीखंड महादेव आए बाद में जाएंगे किन्नौर कैलाश। तो मेरी यात्रा सफल रही, शिव की प्रेरणा मुझे मिलती रही और कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इतने ऊपर ऑक्सीजन कम है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार अभी हम रिटर्न का ट्रेक करते हैं। तो हर हर महादेव, बोलो श्रीखंड महादेव की जय, बाबा बर्फानी की जय। धन्यवाद मित्रों, देखते रहे मेरा चैनल जगवेंचर जी, और मैं आपको और ऐसे वीडियोस दिखाते रहूँगा। धन्यवाद। आज है 25 जुलाई और आज मेरा सफ़र पूरा हुआ है। स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरे YouTube चैनल जगवेंचर जी में। और आज हम है श्रीखंड महादेव के यहाँ, ये देखिए। और श्रीखंड महादेव की मेरी पूरी यात्रा आपको डे बाय डे देखने की है। तो सब्सक्राइब माय चैनल जगवेंचर जी, हर हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह 4:15 बजे शुरू हुआ हमारा ट्रेक, शाम को 4:15 बजे ही खत्म हुआ पार्वती बाग में। और चेहरे देखो कितने खिल गए हमारे, आप देख सकते हो हमारे चेहरों पे। लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन बहुत अच्छे हुए। बारिश का मौसम अभी भी है और दर्शन बहुत बढ़िया हुए, वो बहुत बड़ी बात है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।